उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जो मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, आज उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और अभी निर्णय की कॉपी डिटेल का ऑर्डर आएगा हमारे पास, हम उसे देखेंगे। लेकिन जो अभी तक पता चला है, जो अभी तक ब्रीफ में बताया कि 2017-18 वर्ष का जो 17,000 रुपए सैलरी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को दिया जाना है, ये आदेशित किया गया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आज के इस फैसले में, जो अनुदेशकों का मामला लगातार चल रहा था। अब इसमें डिटेल ऑर्डर आएगा तो ड्यूज के बारे में पता चलेगा और 18, 19, 20, 21 बाद के वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति इंडिकेट किया है कि इनको इस आधार पर आगे दिया जाए। इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि जब 2017 और 18 में हमें 17,000 चाहिए, फिर 19, 20, 21 में तो महंगाई और बढ़ी है, जरूरत और बढ़ी है ये चीजें, तो उस समय भी उसको दिया जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक तरह से डायरेक्ट किया गया है कि उस पर निर्णय ले, उत्तर प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ले, जिससे क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अभी 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पे कहा था कि लोग इस देश में टीचर, डॉक्टर और लॉयर को भगवान मानते हैं। तो मैं समझता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आशय के साथ भी टीचर्स के महत्व को, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के महत्व को, उनके जीवन यापन के लिए जो समस्या आ रही थी 9,000 से नहीं हो पा रहा था, अब उसे 17,000 2017-18 का आदेशित कर दिया है और इसी आधार पर अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी आगे के वर्षों के लिए पेमेंट अनुदेशकों को करना चाहिए इसी आधार पर, जिससे कि अपने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षक हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों के भविष्य में, हमारे सबके भविष्य के लिए, हमारा सबका भविष्य बच्चे हैं, उनके लिए उनका योगदान होता है, ऐसे में उनके लिए अति आवश्यकता है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उतनी बात मानी और उसका डिटेल ऑर्डर हम देखेंगे, ड्यूज के बारे में क्या उन्होंने कहा है, और आगे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानते हुए जो बाद के वर्ष हैं उसका भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भुगतान किया जाए, जो बाकी पैसे हैं, जो ड्यूज हैं, उनको भुगतान किया जाए, जिससे वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें और जो इतने दिनों से भ्रांतियां चल रही थी वो समाप्त हो सके और उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके साथ न्याय हो सके।